6:08 हो रहा है सुबह का। ग्राउंड का व्यू आप देखो, ये रहा ग्राउंड, बहुत ही अच्छा लगता है वो देख। झारखंड और बिहार का मतलब मैच होने वाला है, सकते हो ऑफिशियल एरिया। एंड अभी मैं हूँ ऑफिशियल एरिया में, अभी द लोकल टीम साइड स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी वर्सेस श्री राम क्रिकेट क्लब बिहार। सबसे युवा क्रिकेटर, काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा। ये रहा ग्राउंड, बहुत ही अच्छा लगा। वो पड़ता है J05 एंड दिस वन इज J06। आदित्य राज है ना, 70 रन पे खेल रहा है और हिमांशु 18 रन पे, मतलब शानदार बल्लेबाजी। मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम J05, बट राइट नाउ आई एम एट J06। मेरे होम टाउन के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि वेस्ट सिंहभूम के CKP में हूँ एंड राइट नाउ आई एम एट पोराहट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यहाँ पर मैं आया हूँ, कल ही मैं आ गया था, कल सेमीफाइनल 1 था। यहाँ पर मैं आया हूँ ऑल इंडिया देवेंद्र मांझी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एंड दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कमिंग फर्स्ट टाइम इन माई चैनल। वेट लेट मी शो यू, देख सकते हो पोराहट स्पोर्ट एसोसिएशन चकदरपुर स्टेट 2002। तो जो हम लोग का रूम है अभी ग्राउंड फ्लोर में, तो ग्राउंड से अटैच्ड है, तो अभी निकल के आप लोग को ग्राउंड दिखाया जाएगा, ग्राउंड का व्यू। और टाइम देख सकते हो 6:08 हो रहा है सुबह का, तो अभी चलते हैं बाहर ग्राउंड। तो ये रहा ग्राउंड, देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो देख सकते हो पूरा खाली है। कुछ देर बाद जब आज का सेमीफाइनल 2 स्टार्ट होगा तब यहाँ पर भीड़ होगी। तो ये रहा साइड स्क्रीन इधर एंड साइड स्क्रीन एक इधर है, देख सकते हो ऑफिशियल एरिया एंड दिस आर द डगआउट। देख सकते हो यहाँ 2 डगआउट है, एक हो गया एक टीम का ये और एक टीम का ये। एंड देखिए ये है रूम, देख सकते हो ग्राउंड वाला, ग्राउंड फ्लोर में मुझे मिला है, वहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। और देख सकते हो ऊपर भी है, बहुत सारा रूम है, तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। पुराहत मिनी स्टेडियम भारत भुवन चकदरपुर वेस्ट सिंहभूम झारखंड। तो जैसा कि मैं बताया कि ये वेस्ट सिंहभूम है, जैसे कि हमारा ईस्ट सिंहभूम होता है जमशेदपुर, तो वो पड़ता है J05 एंड दिस वन इज़ J06। देखो सुबह सुबह का व्यू एंड ट्रेन का आवाज़ भी सुनो, ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है ग्राउंड। और मैं यहाँ पे आया हूँ इस टूर्नामेंट को लाइव स्ट्रीमिंग करवाना, ये मेरा 8वां टूर्नामेंट है। इससे पहले मैंने 7 टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीमिंग करवा दिया अपने चैनल पे, ये 8वां है। और मेरे यूट्यूब के अबाउट में सारा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि अगर आप लोग को भी अगर कभी टूर्नामेंट आप लोग कराओगे और आप लोग को लाइव स्ट्रीमिंग करवाना होगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, सारा कुछ डिटेल मैंने अपना अबाउट में दे दिया। एंड 7 टूर्नामेंट का ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस है, ये 8वां टूर्नामेंट हो रहा है जो मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम होगा। कल का सेमीफाइनल 1 हो गया, आज सेमीफाइनल 2 है, उसके बाद फाइनल होगा। तो यहीं से लाइव स्ट्रीमिंग होता है, देख सकते हो यहाँ पर सेटअप अच्छा दिया गया है, साइड स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर ये अम्ब्रेला स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पर वीडियो स्टैंड वगैरह लग के देख सकते हो 2 चेयर है। तो कल सेमीफाइनल 1 हो चुका है, उसका मिनी ब्लॉग मैंने डाला था, आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। आज का जो दूसरा सेमीफाइनल है वो होने वाला है द लोकल टीम साइड स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी वर्सेस श्री राम क्रिकेट क्लब बिहार। मतलब आप समझ जाओ कि झारखंड और बिहार का मतलब मैच होने वाला है अंडर 16 का, काफ़ी सारे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द नेम एंड शोइंग यू एवरीथिंग जब मैच स्टार्ट होगा। प्रेजेंटेशन एरिया यहाँ पर जब मैच खत्म होगा, जो भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच होंगे, सारा कुछ प्राइज रिसेप्शन यहीं पर होता है। एंड यस, वन मोर थिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, आज है 14th अक्टूबर, आज मेरे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू माई फादर, लव यू डैड, एंड आई एम नॉट एट माई होम, हर साल रहता हूँ और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पापा का, बट इस बार नहीं हूँ घर में, कोई बात नहीं, लव फ्रॉम हेयर ओनली। एंड अभी मैं आ चुका हूँ रूम के छत में और यहाँ से भी आपको दिखाया जाए ग्राउंड का व्यू, देख सकते हो टॉप मोस्ट फ्लोर से ग्राउंड का व्यू आप देखो। ये रहा ग्राउंड, बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में, व्यू देखिए आप। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए सूरज भी दर्शन देते हुए अपना। 12:30 बजे से होना है सेमीफाइनल 2। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में अराउंड 12:30 बजे के आसपास। आई होप आपका आज का दिन अच्छा हो, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। वेलकम बैक गाइस, सो टाइम हो चुका है एंड एज यू ऑल कैन सी चेंज करके मैं आ चुका हूँ एंड अभी मैं हूँ ऑफिशियल एरिया में। अभी धीरे धीरे सारा सेटअप हो रहा है, उसके बाद फिर जैसा होगा सारा कुछ आप लोग को
दिखाया जाएगा। सो हेयर वी आर इन द सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ ऑल इंडिया देवेंद्र माझी अंडर 16 प्रीमियर लीग। तो मैच से पहले दो प्लेयर हमारे पास है, जैसा कि आईपीएल में और सारे मैचेस में हम लोग देखते हैं प्लेयर टू लुक फॉर। तो एसएससीए की तरफ से है रायन सपकोटा और एसआरसीसी बिहार की तरफ से है हिमांशु राव। तो सबसे पहले मैं रायन से पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपनी टीम के वन ऑफ द मेन प्लेयर है, ऑलराउंडर है, तो अभी तक आप लोग 3 मैच जीत के यहाँ तक क्वालिफाई किए हैं, तो अभी तक का कैसा रहा सफ़र? शुरू से ही हम लोगों को डोमिनेट करना पड़ता है टीम को मेंटली और एंड गेम में भी, जैसे क्रिकेट में भी हम लोग को डोमिनेट करना पड़ेगा। लाइक जितना अपना बेस्ट दे सकते क्रिकेट में, अपना अपना पार्ट को एकदम परफेक्टली करना है। जितना आप अपना गेम को करेंगे उतना वो टीम में भी यूज होगा। Anibansu, same question for you also. अब 3 मैच खेल लिए हैं हम लोग, तो सारा प्लेयर अपना बेस्ट दिया हुआ है, तो ट्राई करेंगे सेमीफाइनल में भी पूरा बेस्ट देने का और 100% एफर्ट देने का। बिल्कुल। और जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में पूछूं, जैसे कि आपको क्या लगता है कि आप अपने टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो और आपका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है, एंड शायद आप एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए हो। इम्पोर्टेंट तो रहता है, लाइक आपका ही पूरा मतलब एक टाइप से आपका ही जिम्मेदारी रहता है टीम में, एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन दोनों में आपको अपना बेस्ट देना होगा, तभी टीम का आउटफिट और अच्छा निकलेगा। जैसे कि आप अपने टीम के ओपनर बैट्समैन हो, तो इंडिविजुअली आपका अभी तक का परफॉर्मेंस से आर यू सेटिस्फाइड कि क्या लगता है आपको और अच्छा करना चाहिए था आपका अपने इंडिविजुअल में? देखिए 2 मैच तो थोड़ा ठीक ही हुआ था, फिर लास्ट मैच थोड़ा हम लैग कर गए, तो सेमीफाइनल में पूरा ट्राई करेंगे पूरा 20 ओवर खेलने का और अपना 100% देने का। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज का जो सेमीफाइनल 2 है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, दोनों ही तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है दोनों, एसएससी और एसआरसीसी, और जैसे कि प्लेयर टू लुक फॉर है हम लोग दोनों यहाँ पर पहुँचे हुए हिमांशु राव के साथ है और रायन सपकोटा के साथ। तो जैसा कि आईपीएल में आप लोग देखते होंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मैचेस खेलने के बाद जब हम लोग आईपीएल में आते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना पड़ता है, तो आप लोग भी साथ में स्टेट रिप्रेजेंट किए हो, झारखंड के लिए खेले हो, बट टुडे यू बोथ विल नॉट प्ले टुगेदर, आप एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो इसे आप किस वे में लेते हो, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन एक राइवलरी, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके? हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली, बट ऑफ द फील्ड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त है, इन द फील्ड नहीं। बिल्कुल, यही होना चाहिए क्रिकेटर का एक खिलाड़ी का सोच। और हिमांशु आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके? यही सेम है, और ऑफ द फील्ड हम लोग बहुत अच्छे दोस्त है, खाने पीने पूरा मतलब मजाक ही, लेकिन ऑफ द अंदर घुस गए फील्ड के तो पूरा मतलब होता है राइवलरी थोड़ा होता है। बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, सर टीम गेम, क्रिकेट इज़ नॉट ए इंडिविजुअल गेम, टीम गेम, तो बहुत ही अच्छा अभी तक चल रहा है, दोनों टीम अच्छा क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में पहुंची है, एंड ओके गाइस जेंटलमैन बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट। ऑल सेट, अभी थोड़ी ही देर में टॉस होगी, वी विल गो देयर विद बोथ द कैप्टन। एंड नाउ इट्स टॉस टाइम फॉर द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन द होम टीम एसएससीए वर्सेस द विजिटर्स एसआरसीसी। It's tails. David won the toss. We'll field first. And Shubham, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हम भी फील्डिंग ही करते हैं टॉस जीत के, अनफॉर्चुनेटली हम टॉस हार गए, बट अब जो है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। So news from the center, SSCA won the toss and have elected to field first. टॉस हो चुका है, होम टीम SSCA ने टॉस जीतकर पहले लिया है फील्डिंग। थोड़ी देर में सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट होगी। First ball of semi-final, all set, Sameen to Himanshu. और डॉट बॉल के साथ स्टार्ट होता हुआ दूसरा सेमीफाइनल। मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग ने अपना जगह ले लिया है, अपनी जगह पे आके सेटअप करके मैच स्टार्ट करवा दिया है। देख सकते हो हम लोग साइड स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से ग्राउंड का व्यू देखो, काफ़ी अच्छा लगता हुआ। और काफ़ी सारा माइक है कमेंट्री के लिए, एक माइक मेरे को दिया गया है और 2-3 माइक वहाँ पे है, तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ। वी आर हाफ वे डन, 10 ओवर के बाद 99 फॉर नो लॉस एसआरसीसी। भाई तगड़ा शुरुआत मिल चुका है यार एसआरसीसी को, अभी तक मतलब 99 पे 0 है और आदित्य राज है ना 70 रन पे खेल रहा है और हिमांशु 18 रन पे, मतलब शानदार बल्लेबाजी, मतलब बहुत बढ़िया खेल रहा है। काफी शानदार शॉट देखने को मिला हिमांशु राव के बल्ले से, छोटी गेंद में खेल दिया है, 4 रन आता हुआ राज के बल्ले से।
जोरदार शॉट और इसी चौके के साथ आदित्य राज का शतक पूरा। काफी शानदार बल्लेबाजी, काफी शानदार पारी खेला है। मात्र 67 बॉल में अपने सेंचुरी पूरा किया आदित्य राज ने। काफी शानदार शतक। रिमेंबर द नेम आदित्य राज शर्मा। तो भाई आदित्य राज ने शानदार बल्लेबाजी के शतक जड़ दिया, 121 रन बनाया है, तो 174 रन का टारगेट है। सो विल सी क्या ये चीज हो पाएगा। और यहां पर भी क्लीन बोल्ड कर दिया आदित्य राज ने, उनका ये तीसरा विकेट। तो भाई अभी इधर 10 ओवर हो चुका है, 89/4 सब आउट हो चुका है। डेविड आउट हो गया, रायन भी आउट हो गया, सब आउट हो चुका है। डेविड भी आउट हो गया, रायन भी आउट हो गया। अभी तनिष्क खेल रहा है, तनिष्क के साथ खेल रहा है समीर। 89 हो चुका है, देखिए 10 ओवर में क्या होता है। 10 ओवर के बाद आपको पता चलेगा सेमीफाइनल को करी। आदित्य पोजीशन और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है, 4 विकेट और इसी के साथ सेमीफाइनल टू समाप्त। एसआरसीसी की टीम फाइनल में काफी शानदार प्रदर्शन, काफी शानदार परफॉर्मेंस एसआरसीसी का। सेलिब्रेशन ऑफ द टीम, उन्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट आज का मैच सेमीफाइनल और अच्छा प्रदर्शन सारे प्लेयर्स का। तो भाई मैच खत्म हो चुका है एंड पूरी तरह से ये मैच एसआरसीसी की टीम का रहा। और आदित्य राज ने भाई 121 रन और 4 विकेट, मैन ऑफ द मैच तो वही है। चलिए प्राइज सेरेमनी करवाना है अभी, उसके बाद फिर ब्लॉग फिनिश करेंगे। वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड सेमीफाइनल। कांग्रेचुलेशन टू एसआरसीसी टीम फॉर विनिंग एंड क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल। मोजा 4 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट। वीरदास के लिए जोरदार तालियां। अंडर 14 लेवल क्रिकेटर है, काफी युवा, इस मैच के सबसे युवा क्रिकेटर, काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा। First of all, I would like to call the losing captain David Sagar Munda. Throughout the tournament, इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा और SSCA की टीम काफी नामी टीम है। काफी सारा टूर्नामेंट आप लोग की टीम ने जीता है, आपके कैप्टनसी में और आपके जो कोच है एमडी वोस अंसारी सर, काफी अच्छा आप लोग को सारा कुछ होता है, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आज क्या कमी रह गई, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बोलेंगे कि हम लोग का फील्डिंग में जो अप्रोच था बहुत वीक था, कि आपका कैच छूटा लेकिन अगला ही गेंद पर आप आउट हो गए। और बाकी आपके टीम के प्लेयर्स है, अगर आज का मैच छोड़ दे तो अभी तक कौन कौन प्लेयर आपको लगा कि आपके टीम के लिए बहुत अच्छा प्लेयर्स है और आगे भी अच्छा कर सकते हैं? देखिए पहले तो रायन सपकोटा, आप बोलिए रहे थे कि ऑल द पूरा मैच में एक अलग एफर्ट दिख रहा था इसका, भले किसी का दिखे ना दिखे अच्छा खेल रहा था। ऑल द बेस्ट, आप लोग का अभी अंडर 16 है, आगे चल के आप लोग को बहुत मैचेस मिलेगा, आप लोग का करियर बहुत ब्राइट है। थैंक यू। एंड नाउ बिफोर inviting the chief guest, I would like to invite the winning captain Shubham Ojha onto the stage. Throughout the tournament आज भी आपने साबित कर दिया कि आपकी टीम बेस्ट है और फाइनल में आप लोग भिड़ेंगे FSCA से, तो क्या कहना चाहोगे अपने टीम के बारे में आज के मैच के बाद? सबसे पहले तो इसमें मेरी टीम तो इसमें मेरा उतना कोई रोल नहीं है, जो मेन मेरे सारे प्लेयर्स हैं सारा क्रेडिट मैं सारे प्लेयर्स को दूंगा, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स जैसे मेरे आदि हिमांशु पूरे टूर्नामेंट से ये लोग अच्छे रन करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे और प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जिनका जो रोल है बॉलिंग में बैटिंग में सब अपना कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैंने सोचा था पूरे टूर्नामेंट में वो मेरे सारे प्लेयर्स ने किया। क्योंकि ये टीम सच बताऊँ तो मैंने 15 दिन पहले से सोच के रखा था कि मैं यही टीम लेके जाऊँगा और यही मेरी टीम होनी चाहिए और यही टीम आगे भी फाइनल में जीतेगी। And now I would like to invite our chief guest vice president Iqbal Khan sir to come over here, and before giving the man of the match award I would like to say something about this tournament. सबसे पहले तो मैं बिहार के टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और वेल डिसिप्लिन में खेली, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो भी हमारे टीम है चकंदरपुर की खेली वो भी बहुत डिसिप्लिन में खेली। थैंक यू सर फॉर योर यूजफुल वर्ड्स। एंड नाउ अनडाउटेबली नो नॉमिनेशन नो गेसेस, द मैन ऑफ द मैच आदित्य राज शर्मा 121 रन एंड 4 विकेट्स। जोरदार तालियां, परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक 4 विकेट और बल्लेबाजी शानदार, काफी शानदार, वेल डिजर्व। So that's it from the presentation of second semi-final, मिलते हैं final में, thank you so much. So guys जैसा कि देखा आपको सारा कुछ दिखाया and जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया था रूम से वहीं ब्लॉग एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, till then practice well and yes try to perform at the right place. Goodbye, take care, stay safe.